कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में कुछ किसान संगठन अब भी आंदोलन जारी रखे हुए हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। यही नहीं, कल तक किसान आंदोलन को मौन सहमति देने वाली कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सड़क पर उतरकर कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को तोड़ने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरने वाले हैं। पीएम मोदी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के साथ साथ 25 दिसंबर यानी कल कृषि सुधारों पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि ऐसा बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री के इस पूरी कवायद के तहत मौका एक बार फिर से विपक्ष के पास ये कि वो इस मुद्दे पर भी सियासत करे और प्रधानमंत्री के इस सौगात को भी किसी भी कीमत पर वो कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, एक बार फिर से आपको बता दें, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और साथ ही साथ ऐसी बातें एक बार फिर से बताने की कोशिश किसानों को करेंगे जिस तरह से एक बार फिर साबित हो कि किस तरह ये कृषि सुधार उनके हक में है। और लगभग महीने भर से चल रहा ये आंदोलन इसलिए जरूरत इसकी नहीं है क्योंकि ये आने वाले समय में न सिर्फ कृषि को बदलेगा बल्कि किसानों की जो आमदनी है उसको भी बढ़ाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास, इसमें कल का दिन बहुत ऐतिहासिक होगा। फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं, उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। सरकार ने की संवाद की पहल। तमाम किसान बॉर्डर पे एक महीने से बैठे हुए हैं, सरकार उनकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ज्वाइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। आंदोलन पर राजनीति से हलचल। हस्ताक्षरों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाना, यह कांग्रेस का पुराना इतिहास है। प्रियंका जी इन कानूनों को समझती है, उन्होंने इस कानून पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर वो पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद अगर वो बोले कि मैंने कानून पढ़े हैं और उसके बाद मैं बोल रही हूँ, तब इस बात को मानो। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम मोदी के संदेश से निकलेगा हल। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन जारी है। 29 दिनों से किसान सर्द रातों में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां हैं, जुबान पर नारे हैं और इरादा कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का। लेकिन किसानों का आंदोलन अब केंद्र सरकार को घेरने का जरिया बनता जा रहा है। किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक जमीन और जनाधार खो चुकी पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाने का हथियार बनता जा रहा है। कल तक किसान आंदोलन को मौखिक समर्थन देने वाले दल अब खुलकर सामने आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठियां सौंपी जा रही, गिरफ्तारी भी दी जा रही। आपको दिखाएंगे कैसे कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को विपक्षी दल अपने फायदे के लिए हाईजैक करना चाहते हैं, कैसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधने में जुट गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर किसानों से मन की बात करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर कृषि सुधार कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश करेंगे।
किसान आंदोलन के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी विकास खंडों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने की व्यवस्था करें। गौर से देखिए ये चिट्ठी। ये चिट्ठी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी सांसदों और वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, उसके लिए लगभग हर जिले में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चलेगा, वहां पर सांसद और क्षेत्र के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं विधायकों को भी अपने क्षेत्र में रहना होगा। बूथ से लेकर जिले तक पूरी तैयारी की जा रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों को 25 दिसंबर को बड़ी सौगात देंगे। अटल जयंती के मौके पर पीएम मोदी बटन दबाकर देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम के बटन दबाने के बाद अगले 2 घंटे में किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। केंद्र सरकार इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, लिहाजा 25 दिसंबर को पीएम मोदी का कार्यक्रम होगा, जिस दौरान पीएम मोदी देश के 6 राज्यों के 6 लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में 14 करोड़ किसान है। पीएम किसान निधि के माध्यम से 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीकरण भी हुआ है। तो अब तक 10 करोड़ 59 लाख किसानों के खातों में 96,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। यह कार्यक्रम बहुत महत्वाकांक्षी है। राज्यों में विकास खंड स्तर तक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में पैसों का ट्रांसफर ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ किसान संगठन दिल्ली से लगती सीमाओं पर कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई चरणों की बातचीत के बाद भी सरकार और किसान यूनियन में अब तक सुलह का कोई रास्ता नहीं दिखा है। सरकार बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि ये कानून उनके हित में है, लिहाजा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से बातचीत कर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कृषि सुधार कानूनों पर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि इससे किसानों को फायदा ही फायदा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं। पीएम मोदी देश के किसानों से कई बार मुखातिब हो चुके हैं, कई बार कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का असर भी दिखने लगा है। गौर से देखिए ये बक्से। दरअसल कृषि भवन में रखे इन बक्सों में देश के 20 राज्यों के किसानों के हस्ताक्षर वाली वो चिट्ठियां हैं जो कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में भेजी गई हैं। 3,13,363 किसानों ने कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करते हुए सरकार को चिट्ठियां भेजी। एक तरफ देश के तमाम किसान सड़कों पर बैठे हैं और बिलों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ
देश भर के तमाम किसानों का समर्थन सरकार को मिल रहा है, इन बिलों को मिल रहा है। कृषि भवन में ये तमाम जो बॉक्स हैं, ये 20 राज्यों के वो समर्थन पत्र हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि 3,13,363 किसानों के हस्ताक्षर यहाँ पर इस बॉक्स में रखे गए हैं। बीजेपी का दावा है कि कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में देश भर में जो अभियान चलाया जा रहा है, उससे 3,00,000 किसानों का समर्थन जुटाया गया है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए किसानों का समर्थन जुटाया गया है। ये हस्ताक्षर अभियान 9 से 12 दिसंबर तक चलाया गया था। इसमें 20 राज्यों के किसानों ने कृषि सुधार कानूनों पर समर्थन दिया और 3,00,000 किसानों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी। तो आपको बता दें कि इनमें 1,00,000 से ज्यादा किसान हरियाणा के और पंजाब के, 13,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के बागपत के किसान भी कृषि सुधार कानूनों को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले और इन कानूनों पर अपना समर्थन पत्र सौंपा। किसान मजदूर संघ बागपत क्षेत्र के किसान कृषि मंत्रालय में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बागपत जिला ये किसानी के मामले में पूरे देश में मशहूर है और सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी भी इसी क्षेत्र से रहे हैं। और आज ये सारे किसान यहाँ सिर्फ इसलिए चलकर आए हैं क्योंकि ये कृषि सुधार बिलों का समर्थन करना चाहते हैं। सरकार किसानों से बात कर रही है, कृषि सुधार कानूनों पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है, आंदोलन कर रहे किसानों से भी बातचीत को तैयार है। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी भेजकर किसानों से एक बार फिर संवाद से समाधान निकालने की अपील की है, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसान आंदोलन से फायदा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर इस आंदोलन को हवा देने और सरकार को घेरने का मौका तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री, सरकार के सभी मंत्री और पूरी बीजेपी किसानों के साथ संवाद के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। किसानों को चिट्ठी के जरिए एक बार फिर बातचीत का न्योता भेजा गया, लेकिन कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक के बाद कांग्रेस आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश को धार देने में जुट गई है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस को किसानों की फिक्र है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस ही थी जिसने कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की पैरोकारी की थी। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कई कानून और बढ़ाई हैं जिससे किसान का विकास हो, ये नुकसान के लिए नहीं है। और ये तो आड़ती है, ये अपना बब्बर कर रहे हैं। किसान बहुत विवेकशील हैं और कौन उनकी फसल को ललचाई नजर से चरने की दृष्टि से देख रहा है, इसके बारे में वो पूरी तरीके से सतर्क हैं और लाठी लेकर मुस्तैद रहे। आंदोलन पर राजनीति वर्सेस संवाद नीति, देश में आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? विपक्ष के विरोध से कैसे बनेगी बात? मोदी जी ने कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान बिल पारित किए हैं, जो 100% किसानों के हित में है। कृषि सुधार कानूनों पर संग्राम जारी है। एक तरफ कुछ किसान संगठन आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ देश के किसान कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में नोएडा में एक रैली भी निकाली गई। किसानों ने इन कानूनों के समर्थन में नारे लगाए। यही नहीं, उस भ्रम जाल को तोड़ने की हुंकार भी भरी जिसे विपक्ष ने अपने फायदे के लिए तैयार किया। सबकी सब पार्टियां जिनकी सत्ताओं में, जो सत्ताओं में बैठे हैं हर राज्य में, वो बाकायदा राज्य स्तर पर आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस खुलकर शामिल क्यों नहीं हो रही है? अपने आदमियों को क्यों नहीं बुला रही है? ये आप वाले क्यों नहीं इसमें अपने आदमियों को भेज रहे हैं? उन्हीं 500 आदमियों के पीछे काय को ताकत लगा रहे हैं? ये सिर्फ इनका उद्देश्य
अस्थिर करना है और ये किसान को गुमराह करना है ताकि संघर्ष बढ़ते रहे। इसमें मोदी जी ने सीधी चोट की है, जो कि इन दलालों को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को और अकाली दल को पचने रही है। 80% मंडियां इन्हीं दल के नेताओं की हैं। ये नहीं चाहते हैं कि किसान का माल उसको उचित मूल्य पर बिके। प्रधानमंत्री पिछले 10 दिन से लगातार कह रहे हैं एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी बंद नहीं होगी, लेकिन ये किसानों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत का एक बार फिर से न्योता भेजा है। केंद्र सरकार की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि किसान अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख तय करें जिससे कि उनके साथ सरकार बातचीत कर सके। देखिए, कुछ किसानों को शायद पूरी तरह से बिल को समझने की बात है, और उसके अलावा भी सरकार तो कह रही है कि जो संशोधन किसानों को चाहिए वो सरकार बातचीत करके करने के लिए तैयार है। तो अब तो किसानों से निवेदन है, आए इसी तरह समस्या का हल निकले। हमारा अभी भी यही कहना है कि हमको कोई ठोस प्रस्ताव भेजें लिखकर। तो ये तो वही है कि उलझाने वाली बात है। पत्र पे पत्र भेज रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो बड़ा किसानों के लिए फिक्रमंद है, उनके लिए हम पत्र भेज रहे हैं। लेकिन हम ये आज भी हमारी वही डिमांड है कि कोई ठोस प्रस्ताव लिखकर भेजें जिसमें रिपील करने वाली बात हो। आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच रस्साकशी जारी है, लेकिन इस रस्साकशी को अपने फायदे में तब्दील करने की कोशिशें भी अब जमीन पर नजर आने लगी। अब कांग्रेस ने भी सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने एक पैदल मार्च निकाला जिसमें कांग्रेस के सभी सांसद और नेता विजय चौक से पैदल राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने वाले थे। किसानों के 2 करोड़ हस्ताक्षर वाले पत्र को सौंपने जा रहे थे। ये जो ट्रक आप देख सकते हैं, इस ट्रक में वो 2 करोड़ हस्ताक्षर किए हुए कागज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट हाउस इनको ले जाना है। तो अब इनको जो है यहाँ से ले जाया जाएगा थोड़ी देर में। हालांकि अभी 3 लोगों को ही जाने की इजाज़त मिली है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैनर लगा के जो है तैयार है। तैयारियां पूरी थी, कांग्रेस मुख्यालय में सभी नेता मौजूद भी रहे, लेकिन पुलिस ने पैदल मार्च की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस के सभी नेताओं ने कांग्रेस ऑफिस के लॉन में बैठक की। थोड़ी देर पहले गुलाम नबी आज़ाद संबोधित कर रहे थे, अब अधीर रंजन चौधरी जो है वो संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातें जो है रख रहे हैं सभी सांसदों के सामने। मैं कैमरामैन निज़ाम को कहूँगा कि दिखाएं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि वो उस सर्कल में नहीं है, राहुल गांधी के बिल्कुल करीब नहीं है, दूर बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद हैं और सुन रही हैं कि जो उनके जो लीडर हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। और बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो सांसद आए हैं उनके दस्तखत भी हो रहे हैं। इस बैठक के बाद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता मुख्यालय से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। सिर्फ 3 नेता, जिनमें राहुल गांधी के अलावा गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जाने की इजाजत दी गई। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, जबकि प्रियंका गांधी सड़क पर ही धरना देने लगी, जिन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया और कुछ देर बाद छोड़ दिया। यहाँ से शायद कुछ देर में ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे तादाद में पुलिस इन लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जा रही है। और अब चूंकि राहुल गांधी भी यहाँ से जा चुके हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी वापस जा रहे हैं, तो जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वो अब शायद ख़त्म हो जाए। और इसके बाद अब देखना होगा कि जो कृषि कानून को लेकर कांग्रेस की रणनीति है, एक तो ये था कि राष्ट्रपति को जाकर सारे सिग्नेचर्स जो कैंपेन वो चला रहे हैं दें, और उसके अलावा सड़क पर उतरे। तो आज हम देख सकते हैं कि काफी तादाद में जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो सड़क पर आए, कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और लगातार अब पुलिस इन्हें यहां से डिटेन करके ले जा रही है। किसान आंदोलन पर सियासी ड्रामा चलता रहा और कांग्रेस ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि वो किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं,
देश को नुकसान होने जा रहा है। ये सरकार एक लोकतंत्र नहीं चला रही है, ये आवाज नहीं सुनना चाहती जनता की। तमाम किसान बॉर्डर पे एक महीने से बैठे हुए हैं, सरकार उनकी आवाज नहीं सुनना चाहती। देश के लाखों किसान आज 30 दिन से सड़कों पर बैठे हैं, पर अहंकार में डूबा दिल्ली के दरबार को किसान की पीड़ा और व्यथा नजर नहीं आती। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री को 44 किसानों की मौत नजर नहीं आती? 62 करोड़ खेत खलिहान जोतने वाले किसान की पीड़ा समझ नहीं आती? लेकिन क्या वाकई कांग्रेस किसानों के फायदे के लिए सड़क पर उतरी? क्या वाकई 29 दिनों बाद राहुल गांधी और प्रियंका समेत कांग्रेस के कद्दावर नेता किसानों की आवाज बुलंद कर रहे थे? क्या वाकई कांग्रेस कृषि सुधार कानूनों को किसानों के लिए नुकसान का सौदा मानती है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक सियासी ड्रामा है ताकि किसानों के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ हवा खड़ा किया जा सके और अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से मजबूत किया जा सके? ये तमाम सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वो कांग्रेस ही थी जिसने अपने शासन काल में कृषि सुधार कानूनों की वकालत की थी। वो कांग्रेस ही थी जिसने कृषि सुधार कानूनों की पैरवी की थी। यकीन नहीं आता तो जरा गौर से सुनिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह के वो पुराने बयान जो किसान आंदोलन पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल का पर्दाफाश करते हैं। संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। हिंदुस्तान में 60% सब्जी खराब होती है, सड़ जाती। हमने क्या कहा? हमने कहा कि रिटेल में एफडीआई लाओ, कि किसान अपना आलू डायरेक्ट बेच पाए। ऑपोजिशन ने क्या किया? उसी ने रोक दिया, पार्लियामेंट हाउस में उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसान के विरोधी। आज किसानों की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके लिए बर्बाद हो जाता है कि हम जहाँ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधाएं नहीं दे पाए, रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश से इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती। हमारे किसान भाई बहनों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं क्योंकि वो उसे बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। आम जनता को सब्जी और फल सस्ते दामों पर मिल पाएंगे। जाहिर है जब कांग्रेस शासन में थी तो वो कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की बात कर रही थी, लेकिन आज वही कांग्रेस सरकार को कृषि सुधार कानूनों पर घेर रही है। तो शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी ने कांग्रेस पर सवालों की बौछार कर दी। ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी कौन है? नेस्ले। उसका कब से चल रहा है काम पंजाब में? लंबे समय से। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन है? पेप्सी, राजीव गांधी जी के जमाने से, 88 से। अभी अमरिंदर सिंह जी ने 2019 में फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हम तो सिर्फ राहुल गांधी जी से ये कह रहे हैं, भाई उन बड़ी बड़ी कंपनियों से वहां लाभ हो रहा है पंजाब में या नुकसान हो रहा है? जो ये बिल है ये किसानों के हित के बिल है और राहुल गांधी जी इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इनके खुद के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम अगर सत्ता में आए तो ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण बिल है वो लाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं दिखता इसमें।
आंदोलन की मशाल थामे किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत भले कर रहे हों, लेकिन इस आंदोलन को विपक्ष राजनीति का स्टंट बनाने पर तुला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसानों के साथ छल कर रही है, तो शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं, सांसदों और मंत्रियों के साथ अब पीएम मोदी ने भी भ्रमजाल तोड़ने की कवायद तेज कर दी है।